नमस्कार। DDUP को परवाह है स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। आपके लाइफ ऑन इन हेल्थ शो सेहत आपकी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, दर्द कैसा भी हो हमारे दैनिक जीवन में बाधा पहुंचाता ही है और हम अक्सर ही तमाम दर्द से परेशान होते हैं। आज हमने गंभीर दर्द का विषय अपने कार्यक्रम में लिया है। आज का हमारा विषय है कूल्हे के दर्द का होम्योपैथिक उपचार। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर उमंग खन्ना। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, स्वागत है आपका। दर्शकों, हम अगर कूल्हे के दर्द की बात करते हैं तो उसमें कैसे उपचार करा सकते हैं और साथ ही कौन से लक्षण हैं, कैसे हम इसको पहचानें और साथ ही हम कैसे से निजात पाएं, इन सब के बारे में आज पूरे कार्यक्रम में आपको बताया जाएगा और साथ ही आप इसमें शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको अपने विषय के बारे में विस्तार से समझाते हैं अपने पहले सेगमेंट डॉक्टर के साथ में। कूल्हे की जो हड्डी है, यह दर्द का बहुत बड़ा विषय है। मैं पहले दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसको इंटरप्रिटेट कैसे करें। ये सारी बात शुरू होती है कि जब आपके कूल्हे की हड्डी में पेन होता है, वो या तो आपके स्पाइन में ऊपर की तरफ जाता है या स्पाइन में नीचे की तरफ उतरता है। कूल्हे की हड्डी की संरचना में तीन बोन्स होती हैं। जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहाँ पे सैक्रम बोन होती है, उससे लगी हुई इलियम बोन होती है और तीसरी बोन प्यूबिक बोन होती है। यह तीन बोन्स के बीच में जब स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, ख़ास तौर से सैक्रम और इलियम, यानी कूल्हे की हड्डी का जो टर्मिनल पोर्शन बोन का होता है और इलियम बोन होती है, इस जोड़ के बीच में जब सूजन आती है तो आपकी कूल्हे की हड्डी में दर्द शुरू होता है। यह एक तरफ भी हो सकता है, यह दोनों तरफ भी हो सकता है। और इस टर्म, इसका एक विशेष टर्म है जिसको सैक्रोइलियाटिस कहते हैं। कभी आपने एक्सरे कराया होगा आपके किसी जानने वाले ने और उनको सैक्रोइलियाटिस लिख कर आया होगा। यह, जैसा कि मैडम ने कहा, यह गंभीर विषय है क्योंकि इसका जो दर्द होता है यह एक तरह से बहुत पीड़ादायक और लाइलाज होता है। लेकिन कोई भी चीज़ लाइलाज नहीं होती, जहाँ पर मर्ज है वहाँ पे इलाज भी है, इसका भी इलाज संभव है। इसके बहुत से कारण होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आर्थराइटिस, गठिया की जिसको दिक्कत होती है उसको कूल्हे का दर्द हो सकता है, जिसको ल्यूकोरिया की शिकायत है उसको कूल्हे का दर्द हो सकता है, जिसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, PID है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, उसको कूल्हे का दर्द हो सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिससे आपकी कूल्हे की हड्डी में दर्द होता है। दर्शकों, आपने जाना कि कूल्हे के दर्द में कैसे समस्या शुरुआत होती है, समस्या की शुरुआत के साथ ही में ये दर्द हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, इसके बारे में आप विस्तार से समझ सकते हैं और साथ ही हमें कॉल भी कर सकते हैं। बस आपको चलना होगा हमारे साथ हमारे अगले सेगमेंट हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं और साथ ही आपको बता दें आज का हमारा विषय है कूल्हे के दर्द का होम्योपैथिक उपचार। इस विषय पर यदि आपके पास भी कोई समस्या है, यदि आप भी समस्या से ग्रसित हैं तो हमें अवश्य ही कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारे नंबर TV स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, कृपया आप उन्हें नोट कर लें। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0522-2288-698। हमारा दूसरा नंबर है 0522-220-5756। हमारा तीसरा नंबर है 0522-401-5988। आप सभी से हम विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो बस अपनी TV सेट का वॉल्यूम अवश्य ही कम कर दें। और साथ ही अब हम एक बार फिर से अपने डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, और हम अगर अपने कूल्हे के दर्द की आज की समस्या पर जब शुरुआत में बात करते हैं तो ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि जो लक्षण हैं ये क्या क्या हैं। जी हाँ, कूल्हे की हड्डी का दर्द आपके होता है तो सबसे बड़ा लक्षण तो आपके जो ये पेल्विक बोन होती है इसमें दर्द हो गया। लेकिन यह दर्द सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होता है। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यह दर्द
आपका नीचे भी उतर सकता है पैर में पीछे की तरफ, जिसको साइटिका कहते हैं। यह दर्द आपका ऊपर स्पाइन में रीढ़ की हड्डी में भी आ सकता है, जिसको कि स्पॉन्डलाइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस या लंबर स्पॉन्डलाइटिस कहते हैं। यह दर्द आपकी कूल्हे की हड्डी से पूरे स्पाइन तक, पूरा सर्वाइकल तक आ सकता है। जी तो यह ही इसकी पहचान होती है कि कहीं भी कूल्हे की हड्डी से दर्द शुरू हुआ और वो आगे की तरफ बढ़ा या नीचे की तरफ बढ़ा। जी और एक विशेष बात होती है, सुबह ज़्यादा अकड़न रहती है, जी जी सुबह ज़्यादा स्टिफनेस रहती है। अगर आपको कूल्हे की हड्डी में सूजन है तो 90% संभावना है कि आपको सुबह स्टिफनेस रहेगी, जब आप चलेंगे तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे बीच एक कॉलर भी है जो कि झारखंड से हमें कॉल कर रहे हैं और हम इनकी कॉल को ज़रूर लेंगे। हेलो हेलो जी हाँ हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, मेरे पापा के बारे में बताना था। वो दीनानाथ पंडित, उनका नाम हुआ, जी जो झारखंड से हैं जी जी जी। उनके पैर में ना पीछे शायद कुछ पोर्शन चलने के वजह से ये हो गया, क्या था, पैर के पीछे नस फूल गया है और जी जस्ट वो लिगमेंट के पास है जी जी। तो मैंने बहुत जगह दिखाया डॉक्टर्स को, कुछ कहते हैं सर्जरी करना पड़ेगा, कुछ कहते हैं ठीक हो जाएगा। जी उनकी उम्र क्या होगी? उम्र 62 ईयर्स। आपने, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और यह जोड़ों के दर्द से जुड़ा हुआ है। ये आपको मैं बता दूं, आपके कहने का मतलब यह है, जहाँ पे आपके घुटने हैं, जोड़ हैं, उसके पीछे की तरफ नस सूज गई है। ये कहीं ना कहीं आर्थराइटिस की तरफ इशारा करती है। आपका लिगमेंट सूज गया है, उस पर जोर पड़ रहा है। इसके लिए आप तीन काम कर सकते हैं। पहला काम आप ये करें कि उनको थोड़ा सा आराम दें। दूसरा काम, उसका थोड़ा सा मसाज शुरू करें, मालिश शुरू करें, ताकि जो उसका इन्फ्लेमेशन है आपके लिगमेंट का, वो कम हो। और तीसरा, आप इसके लिए दवा ले सकते हैं। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एसिड बेंजोइकम। आप एसिड बेंजोइकम दवा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार बाबूजी को दे दें, और साथ में दूसरी दवा रूटा जी 200 पावर में, या दो दवा दो दो बूंद दिन में 3 बार 1 महीने तक दें। आप देखेंगे कि उनका डिजीज का प्रोग्रेशन रुक गया, मर्ज आगे बढ़ने से रुक गया और वह पुनः अच्छा और कंफर्टेबल महसूस करने लगे। हमारे कॉलर जिन्होंने झारखंड से हमें फ़ोन किया था, उनकी कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जब हमने कूल्हे के दर्द की समस्या को यहाँ पर लिया है, विषय बनाया है, तो उसके बारे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी को ये लक्षण नज़र आते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाने से पहले या डॉक्टर से पहले अगर घर में प्राथमिक उपचार है उसको। जी बिल्कुल सही बात है। कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये भी कहा जाता है कि मर्ज के शुरुआत में ही आप उस पर एक्शन ले लें। जी तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, आप डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की राय से या बिना सलाह के, एक कूल्हे की हड्डी का एक्सरे करा लें। एक एक्सरे आपको जो कूल्हे की तीन हड्डियां होती हैं उसके बारे में सब कुछ बता देगा, उसकी जी सूजन के बारे में बता देगा। और जब आपको सूजन के बारे में मिल जाएगा तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात होती है, जैसे एक मिसकंसेप्शन है कि दर्द हो रहा है तो चलते रहो, अगर नहीं चलोगे तो बैठ जाओगे। जी जी ये बात नहीं, आपके जॉइंट में स्वेलिंग है और अगर आप उसकी इंसल्ट करोगे, जॉइंट की इंसल्ट करोगे, उसके आप कद्र नहीं करोगे, तो वहाँ सूजन और बढ़ेगी। तो जी ऐसा ना करें। अगर आपके कूल्हे की हड्डी में दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा रेस्ट मोड में रहें और अपने खान पान को संयमित करें, पेट को बिल्कुल सही रखें, तो आपका ये जो शुरुआत हुई है ये कहीं ना कहीं इसमें कमी आएगी। और कुशल चिकित्सक से मिलके इसको डिफ्रेंशिएट करा के, क्योंकि कूल्हे की हड्डी का दर्द एक बड़ा ब्रॉड विषय है। जी जी जैसे मैंने कहा, किसी को मान लीजिए पानी की शिकायत है किसी महिला को, तो भी कूल्हे की हड्डी में दर्द हो सकता है। किसी को ओवेरियन सिस्ट है तो भी कूल्हे की हड्डी जी में दर्द हो सकता जी है। किसी को PID है तो भी दर्द हो सकता है। तो तमाम कारण हो जी सकते डॉक्टर हैं। साहब, हमारे साथ में अमेठी से एक कॉलर हैं और इन्होंने भी कोई समस्या हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, आपका स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैम, हमारे कूल्हे में दरअसल गुल्ले जो हैं होते हैं वो जी गुल्ले गल गए हैं, तो ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। और पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, नसों में दर्द होते हैं, घुटने में दर्द होता है। ये भाई साहब, आपने बहुत ठीक विषय उठाया। मैं इसके बारे में पहले आपको बता दूं और अपने अन्य दर्शकों को भी बता दूं, कूल्हे की हड्डी से जो बॉल, इनका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है उस पे दिक्कत हो रही है। इसको कहते हैं ए वास्कुलर नेक्रोसिस, AVN इनकी मर्स का नाम है। पहले तो आपने मर्स का नाम जान लें, यह ए वास्कुलर नेक्रोसिस है।
और यह एक गंभीर विषय है और इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। अगर आप कापी पेन लिए हो तो आप नोट कर लें, क्योंकि इसका इलाज केवल दवा ही है इस समय। पहली दवा है रूटा जी, 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार। दूसरी दवा इस विषय की है लीडम पास्चर, लीडम पाल 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। और तीसरी दवा है आर्निका, आर्निका 1 EM पावर यानी 1000 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। और अगर इससे काम ना बने तो फिर आपके पास विकल्प बचता है ग्राफ्टिंग का। डॉक्टर आपको बोलेंगे कि हड्डी की ग्राफ्टिंग करनी है, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसकी ग्राफ्टिंग करनी है, तो उससे भी फिर आप पीछे ना हटें, पहले आप ये करके देख लें। कहा जाता है कि सर्जरी को लास्ट रिजॉर्ट मानना चाहिए, अगर उससे पहले आपको आराम मिल रहा है तो ले लें, नहीं तो सर्जरी से भी पीछे फिर ना हटें, उसको करा लें। जी, आपकी कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। यहाँ पर आपने जैसा कि बताया कि जांच के लिए एक्सरे कराकर डॉक्टर के पास पहुँचें, और साथ में जब दर्द की अलग अलग आपने बताया कि मर्ज कहाँ कहाँ हो सकता है, किन किन लोगों को हो सकता है और किन किन कारणों से हो सकता है, तो हर मर्ज का एक अलग इलाज होता है। लेकिन जो लोग खान पान की बात करें, आपने भी जिक्र किया खान पान अच्छा रखें, खान पान से भी ये हो सकता है? देखिए, आपका पेट खराब रहेगा, डाइजेशन खराब रहेगा या आपकी दिनचर्या नियमित नहीं रहेगी, तो आप भी जानते हैं हम जो कह रहे हैं ये आपको पहले से पता है कि आपको शरीर में दिक्कतें आना अवश्यंभावी है, अवश्य आएंगी। तो पेट को सही रखना, डाइजेशन को ठीक रखना और खानपान उससे जुड़ी चीज है, जो आप खाएंगे वही आपको दिखेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट जो प्रिंसिपल तो एक कंप्यूटर का है, लेकिन यह आदमी के मनुष्य के शरीर पर भी लागू होता है। जी, यानी आपने ये सही पॉइंट उठाया यहाँ पे कि कब्ज होने की वजह से भी शायद ये दर्द हो सकता है। बिल्कुल, कब्ज होगा आपके तो आपके जोड़ों में सूजन आएगी। अब जैसे कूले की हड्डी है, यह कोई का दर्द है, यह कोई मर्ज नहीं है, यह सिम्टम्स है। इसमें यहाँ पर हम आपको रोक कर और एक अपने कॉलर है हरदोई से, उनको भी लेना चाहेंगे। हेलो। हाँ हेलो जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, हमारा नाम अभिलाष त्रिपाठी, हरदोई से बोल रहे हैं। जी जी बताइए। ये हमारी कमर में बैठते हैं तो नीचे साइड में कमर में दर्द होता है, ये दर्द पेट के नीचे साइड, पेट में नीचे जो है ऊपर बहुत तेज दर्द होता है, फिर हम लेट जाते हैं तब कुछ आराम मिलता है। जी, बहुत सही बात उठाई आपने। देखिए, यही आपको कहीं ना कहीं कूल्हे की हड्डी में इन्फ्लेमेशन है, और आपकी बिल्कुल सटीक दवा है कोलोसिंथ, आप नोट कर लें, कोलोसिंथ 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार लें। आपका जो यह दर्द उठता है, जिसमें आपको झुकने से, बैठ के झुकने से आराम मिलता है, पेड़ों में पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और झुकने से आराम मिलता है, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस कोलोसिंथ है, 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो अपने वजन को कम करें, और अगर पेट खराब है तो पेट को सही करें, आप ठीक हो जाएंगे। आपकी कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जो लोग बाइक चलाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको बाइक चलाने का काम करना पड़ता है, तो उनको भी ये समस्या हो सकती है क्या? निश्चित रूप से हो सकती है, और देखा जा रहा है आजकल मर्ज क्यों बढ़ रहे हैं, मर्ज इसलिए बढ़ रहे हैं और विशेष मर्ज इसलिए बढ़ रहे हैं कि बहुत से लोग उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आज आप सड़क पर निकलते हैं तो आपको मोटरसाइकिल वाले मुझे लगता है 70% लोग दिखेंगे। जी जी, और आज का जो दबाव है काम का, कहीं ना कहीं वो इंसान के शरीर पर आता है। जैसे जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं वो दिन भर मोटरसाइकिल लिए दौड़ते हैं, उससे कूल्हे में दर्द होता है, और उसका इलाज और उससे बचने का तरीका यही है कि काम अपनी जगह है लेकिन आप बीच में थोड़ा रेस्ट मोड में रहें, थोड़ा सा उतर के कहीं पर रिलैक्स करते रहें, बहुत लंबा सफ़र मोटरसाइकिल से ना करें, क्योंकि उससे आप सीधे कूल्हे की हड्डी और स्पाइन दोनों पे बुरा असर डाल रहे हैं। जी, यानी सिर्फ उम्रदराज लोगों को ही कूल्हे की हड्डी की समस्या नहीं है, दर्द की जो शिकायत है वो नहीं है, बाकी अन्य लोगों को भी हो सकती है, आपके कामकाज से भी संबंधित है। डॉक्टर साहब, हमारे एक कॉलर भी हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम काजल है। जी काजल जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरी मम्मी के घुटने में बहुत ज्यादा पेन रहता है नेता। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया काजल जी। आपके जो मदर के घुटनों में दर्द रहता है, यह कभी ना कभी आपके कूल्हे की हड्डी के ऊपर के दर्द में प्रोग्रेशन हो सकता है, इसलिए इसको यहीं पर रोकें। उनको आप एक दवा थी मेडोरिनम 200 पावर की 3 खुराक दे दें, उससे जो है उनको घुटने के दर्द में बहुत आराम मिल जाएगा।
क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ ये दवा बताते हुए कि आपकी मदर की एज 40 साल के ऊपर होगी और 40 साल के ऊपर मेनोपॉज हो जाता है, जब महावारी रुक जाती है मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद जब एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में कम होता है तब उनके गठिया बढ़ना शुरू होता है यानी ऑस्टियोपोरोसिस होती है। मैं मान रहा हूँ कि यही आपके केस में हुआ होगा और उसी के अनुसार आपकी दवा मेडोरिनम है। इसकी 200 खुराक दो दो बूंद दिन में 3 बार, और कोई भी महिला हो, मैं यहाँ कहना चाहूँ कोई भी बुजुर्ग महिला हो जो 40 साल की उम्र के ऊपर है और उसके जोड़ों में दर्द शुरू हुआ है, तो वह मेडोरिनम 200 पावर की 3 खुराक हर हफ्ते लेकर, जो एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो रहा है और ऑस्टियोपोरोसिस उनके शरीर में शुरू हो रही है, उस अवस्था को रोक सकते हैं। जी, काजल जी को धन्यवाद देते हुए हम अपने जम्मू कश्मीर के एक कॉलर हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं जहरा बोल रही हूँ कश्मीर से। जी बताइए। जी मेरी एज 21 है और बट मेरा वजन जो है 90 kg है। तो कभी कभार मुझे बैठने से ना लोअर बैक लेफ्ट साइड में एक पॉइंट पे पेन होता है, मतलब जितना फिंगर टिप होता है उतना पेन होता है, तो मुझे उसकी वजह जाननी थी। जी आपने बहुत ठीक बात कही। पहले तो हम लोग आपके, अब कश्मीर के सेब आने वाले होंगे उनका इंतजार कर रहे हैं, अभी तक हिमाचल के सेब खा रहे हैं। जहाँ तक आपकी तकलीफ की बात है, आप पहला तो फैक्टर वजन है, यहाँ पर आपकी बात में ही आपका सवाल छिपा है, का जवाब छिपा है। आपका वजन आपका सबसे बड़ा फैक्टर है, उसको आप कम करें और काफ़ी कम करें। दूसरी बात जो आपने कही कि आप पेन के हो रहा है, पेन सूजन के कारण हो रहा है और हम आपको सीधे इसका निदान दे रहे हैं। होम्योपैथी का सिम्टम कहता है कहीं भी कोई भी ऐसा दर्द जो फिंगर पॉइंट पे हो रहा हो, आपने कहा कि जितने उंगली रखते हैं उतने हिस्से में दर्द हो रहा है, अगर ऐसा दर्द हो तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा काली बाइक्रोम है। आप काली बाइक्रोम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका है जो सूजन नुमा दर्द है, सूजन के कारण होने वाला दर्द है, यह पूरी तरह ख़त्म हो गया। और वेट लॉस आपको अपने प्रयास से करना है, उसका विकल्प डाइटी डिसिप्लिन और फिजिकल एक्सरसाइज है। तमाम दवाएं आती हैं लेकिन हम दवाओं को बहुत कारगर नहीं पाते हैं, आपका अपना प्रयास ही आपका वजन को कम करेगा। जी आपकी कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर बहुत सारे कॉलर्स हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे आपसे कि जो कैल्शियम विटामिन डी की कमी से भी क्या ये कूल्हे के दर्द की समस्या हो सकती है? बिल्कुल, जब आपको कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम कम, कैल्शियम कम होगा तो आपको कूल्हे की हड्डी में ज़रूर सूजन आएगी और उस स्थिति में आपको और स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो जाती है। जी, और उसमें एक विषय को और जोड़ दें यहाँ पर पूरा प्रोग्राम का पूरी बात, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यह भी एक कूल्हे की हड्डी के दर्द का बहुत बड़ा कारण है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जब आपका HBLA-27 जो जीन होता है वो एक्टिव होता है और उसके कारण आपके बोन्स फ्यूज होने लगती हैं, यह जो कूल्हे की हड्डी की दर्द है इसका मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में एक है, जब आपको अकड़न और यह दिक्कत हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ देश के एक दूसरे कोने से भी एक कॉलर हैं, यानी लुधियाना से इन्होंने कॉल किया है और कुछ जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मेरी बहन है 50-52 साल होगी, कमर के नीचे, कमर में दर्द होती है और चुपले के नीचे आती है, 4-5 साल हो गया जी। तो अब हमने डॉक्टर में लास्ट चेक करवाया तो वो कह रहे हैं कि हड्डी गिर गई है, ये होता है हड्डी गिरती है जी। डॉक्टर साहब, इनकी ये जो समस्या है कि कमर के नीचे की जो हड्डी है वो घिस गई, ऐसा बताया गया है और ये जानना चाहते हैं उसके बारे में। यह जो कमर की हड्डी आपका घिस गई है, इसको आप घिसना ना मानिए, इसका जो है वो डिजेनरेशन शुरू हुआ है और इसको आप रोक सकते हैं। इसमें वही 2-3 बातें आती हैं। पहली बात, जब आपके जोड़ में दिक्कत हो रही है तो उसको और अब्यूज़ ना करें, उसको और ज़्यादा काम अभी ना लें। दूसरी बात, पेट को सही रखें। तीसरी बात, इसकी दवा आती है जब हड्डी घिसने की स्थिति होती है लेमैन भाषा में, तो इसकी दवा है रूटा। आप रूटा जी एक दवा आती है, इसका 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको संभावना है कि यह दवा आपकी समस्या का निदान कर देगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कॉल के लिए। डॉक्टर साहब, उपचार की ओर अगर हम चलते हैं तो जैसे कि आप लगातार दवाओं के बारे में बताते जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ और भी उपचार हैं, कैसे खान पान में हम इसको कुछ और सुधार कर सकते हैं? खान पान में आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन खान पान उसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि ये दिक्कत ना हो आपको। जी
अगर दिक्कत हो गई तो दवा है, इसमें हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एक नट सेल में अपने दर्शक जुड़े हैं, कई लोग सवाल नहीं पूछ पा रहे होंगे। देखिए, एक कूल्हे की हड्डी का कारण होता है लुकोरिया की शिकायत जी। इसका बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में एलुमिना है। आप एलुमिना 202 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका जो है वह लुकोरिया की दिक्कत के कारण होने वाला कूल्हे का दर्द खत्म हो जाएगा और लुकोरिया भी खत्म हो जाएगा जी। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर से हमारे कॉलर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सुन मैम, मुझे एक साइड में ना दर्द होती है कमर में जी। कब से हो रही है आपको दर्द? ये कोई 1.5-2 महीने से हो रही है मैम। हाँ तो भाई साहब, अभी शुरुआत है आपकी, यही यही जो बात आज का विषय है, कूल्हे की दर्द, यही आपके शुरू हुआ है, क्योंकि सेक्रोइलियाइटिस एक तरफ भी हो सकती है, दोनों तरफ भी हो सकती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये भाई साहब, एक पहले एक्सरे करा लें, अपने मर्ज को ठीक से पता कर लें और फिर एक कुशल चिकित्सक से उसके विषय में चर्चा कर लें। लेकिन आपको जो यहाँ पे आपके सवाल का जवाब है वो है, आपको एक कूल्हे की हड्डी का एक्सरे कराना है जी, यह बहुत जरूरी है जी। और डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत सही मेंशन किया है कि अपने कुशल चिकित्सक से भी संपर्क करें और इसके साथ ही जांच भी कराएं और एक्सरे करा लें, और ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दवाओं का जो सेवन है वो आप करें। और डॉक्टर साहब, हमारे एक और कॉलर हैं, उन्होंने लखनऊ से कॉल किया है और हम इनका स्वागत करते हैं। हेलो जी मैम। जी नमस्कार मैम, हमारे जो है कूल्हे में दर्द है और मुझे बोझा उठाते समय नसों में दर्द हो गया जी। आपने बहुत सही बात उठाई, ये भी एक बहुत सिम्टम है कूल्हे की हड्डी का, कि जब किसी के कूल्हे की हड्डी में स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, तो उसके पैर के नीचे उतरती नसों में दर्द होने लगता है जी। इसकी बहुत कारगर भाई साहब दवा है। पहले मैं कहना चाहूँगा कि अब आप बोझा ना उठाइए, अगर आपके कूल्हे की हड्डी में सूजन है तो आप बोझा ना उठाइए और इस समस्या से आपको निकालने की और होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा इस सिम्टम की है, कोलोसिन 30 और डायोस्कोरिया 30। आप यह दो दवा ले लें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोलोसिंथ 30 और डायोस्कोरिया 30। आप यह दो दवा 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका जो कूल्हे की हड्डी से नीचे नसों में उतरने वाला दर्द है वह खत्म हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे जी। आप और ये बात जो डॉक्टर साहब ने बताई है, आप ठीक हो जाएंगे, ऐसी शुभकामनाएं हैं और आपकी कॉल के लिए धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, बस वक्त हो चुका है कि हम अपने उस सेगमेंट की ओर बढ़ें जिसमें हम जानते हैं और अपने सभी दर्शकों को दिखाते हैं हेल्थ टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम ये जरूर जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब की, जो भारी वजन के बारे में आपने यहाँ पर जिक्र किया, तो जिन लोगों को डॉक्टर साहब यहाँ पर अपने प्रश्न को भी यहाँ पर विराम देंगे और उत्तराखंड के एक नए कॉलर को लेना चाहेंगे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैं आरके अग्रवाल बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा भी बाईपास हुआ था 4 साल पहले जी, और मैं जो हूँ इस समय मेरे बाएं पांव में दर्द है और थायराइड TSH भी 20 था मेरा जी, अब तो वो 5.6 है जी। आपके बाएं पैर में दर्द है? हाँ, बाएं पांव के घुटने में। हाँ, ये भाई साहब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत है। अच्छा। दो तरह का आर्थराइटिस होता है, मतलब 200 तरह का होता है, लेकिन हम दो प्रमुख बात करना चाहेंगे। एक होता है ऑस्टियो, एक होता है रूमेटॉइड। रूमेटॉइड होता तो आपके दोनों घुटने और तमाम जोड़ों में दर्द होता है, खासतौर से जोड़ों दर्द, क्योंकि एक घुटने में आपके दर्द शुरू हुआ है तो इसका मतलब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत है। आप अभी से इसका ध्यान रख लें, आपको यह समस्या बढ़ेगी नहीं और वह ठीक की तरफ बढ़ेगी जी। आपकी कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। यहाँ पर आपने ऑर्थराइटिस की बात की और साथ में उसका जो दूसरा भाग है यानी रूमेटाइड ऑर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की है, तो जिन लोगों को हड्डियों की समस्या है उनको भी कूल्हे के दर्द की ये समस्या हो सकती है, गंभीर समस्या का उनको सामना करना पड़ सकता है, तो इसके मतलब कि उनको लगातार डॉक्टर के पास जाकर के इसका चेकअप कराते रहना चाहिए। निश्चित रूप से चेकअप कराते रहना चाहिए, अपनी दिनचर्या को सही रखना चाहिए। यहाँ एक जानकारी मैं दर्शकों को और देना चाहूँगा, देखिए सामान्य रूप से बात आपकी समझ में आए, ये लक्ष्य है इस प्रोग्राम का और दूरदर्शन हमेशा इसमें एक्टिव रहा है। आइटिस जहाँ भी लगाओ वो सूजन को कहते हैं, सैक्रोइलियाइटिस कूल्हे की हड्डी की सूजन, आर्थराइटिस घुटने की हड्डी की सूजन, सर्वाइकल